नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 7 अक्टूबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। ड्राइवर, रिसर्च ऑफिसर और अन्य पदों के लिए निकाली गई रिक्तियां। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ड्राइवर, रिसर्च ऑफिसर और अन्य पदों के लिए आवेदन की मांग की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार केंद्रीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भर्ती 2020 के लिए निर्धारित प्रारूप के माध्यम से 2 नवंबर 2020 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो इच्छुक उम्मीदवार के पास मैट्रिक की डिग्री रहना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही हल्के और भारी वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस और 2 वर्षों का अनुभव अनिवार्य है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नवल किशोर धवल की। नवल किशोर धवल का जन्म बिहार के नालंदा जिले के एक गांव में 11 नवंबर को हुआ था। नवल किशोर धवल पेशे से लेखक, शायर, कवि, एडिटर और पत्रकार भी थे। धवल का जन्म भले ही नालंदा जिले में हुआ था, मगर उनकी परवरिश मुंगेर जिले में हुई थी। नवल किशोर धवल ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी 1932 में भी अहम भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता की मुहिम में उन्हें 10 बार सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा था। वहीं बतौर लेखक उन्होंने बांध और धारा, विभीषण का बेटा, मन का फेर और एक बात घर हाथ जैसे किताबों का लेखन किया था। आपको बता दें, नवल ने अपने किताबों का लेखन तब किया था जब वो बतौर लिटरेचर ऑफिसर इन सॉन्ग एंड ड्रामा सेक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन बिहार में कार्यरत थे। बीपीएसएससी ने दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक की लिखित परीक्षा के लिए जारी की तारीख। दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के लिए होने वाले संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा 29 नवंबर को होगी। वहीं पुलिस अवर सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इस बात की जानकारी दे दी है। इसके साथ ही प्रवर्तन अवर निरीक्षक और ASI स्टेनो के लिए भी लिखित परीक्षा का आयोजन दिसंबर महीने में किया जाना है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के 2446 पदों के लिए संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा की तारीख 11 अक्टूबर को तय कर दी थी। हालांकि चुनाव के चलते परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं होने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। पिछले दिनों 29 नवंबर को यह परीक्षा आयोजित करने की बात आयोग की तरफ से कही गई थी। इसके साथ ही निरीक्षक के 212 पदों पर 6 दिसंबर को प्रारंभिक लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले को तुल देने की बात को महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बताया साजिश। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स की तरफ से साझा की गई रिपोर्ट के बाद राजनीति शुरू हो गई है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को अपना बयान जारी करते हुए मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने की साजिश के मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टी भाजपा पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार और पुलिस की निंदा करने की जो कोशिश की गई है उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान समय में बिहार के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस से माफी भी मांगने की मांग की है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने ओवैसी से हाथ मिलाने की कही बात। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि हमारे गठबंधन में नए दल जुड़ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने साथ ही यह भी दावा किया है कि AIMIM के नेता ओवैसी की पार्टी भी उनके गठबंधन में शामिल हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन छोड़ने के बाद बसपा से गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। वहीं वो लगातार सत्तारूढ़ सरकार पर निशाना भी साधते नजर आए हैं। बांका जिले के पापहरनी में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यह एक तालाब है जो कि मंदार पर्वत पर स्थित है। इसे पापहरनी के रूप में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि कर्नाटक के एक कुष्ठ पीड़ित चोल वंशीय राजा ने मकर संक्रांति के दिन इस तालाब में स्नान किया था, जिसके बाद वे स्वस्थ हो गए थे। इसे मनोहर कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस तालाब के बीच में लक्ष्मी विष्णु मंदिर स्थित है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के पोस्टर में नहीं मिली चिराग को जगह। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से पोस्टरबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। साझा की गई जानकारी के अनुसार एनडीए की तरफ से नया पोस्टर जारी किया गया है, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। एनडीए ने अपने पोस्टर से चिराग को बाहर कर दिया है। वहीं भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी चिराग को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर वो नीतीश कुमार के नेतृत्व को नहीं स्वीकारेंगे तो उन्हें एनडीए से भी हटना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि रामविलास पासवान सक्रिय होते तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती, उनकी तबीयत खराब होने के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,90,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,265 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बिहार में बढ़कर 1,90,123 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 51, अरवल में 15, औरंगाबाद में 11, बांका में 25, बेगूसराय में 23, भागलपुर में 22, भोजपुर में 19, बक्सर में 8, दरभंगा में 10, चंपारण में 35, गया में 38, गोपालगंज में 30, जमुई में 11, जहानाबाद में 31, कैमूर में 8, कटिहार में, खगड़िया में 22,
किशनगंज में 20, लखीसराय में 17, मधेपुरा में 43, मधुबनी में 32, मुंगेर में 18, मुजफ्फरपुर में 44, नालंदा में 30, नवादा में 15, पटना में 312, पूर्णिया में 50, रोहतास में 44, सहरसा में 35, समस्तीपुर में 16, सारण में 22, शेखपुरा में 14, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 18, सिवान में 31, सुपौल में 27, वैशाली में 27, पश्चिम चंपारण में 45। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 177,929 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 925 लोगों की जान जा चुकी है। भाजपा के एक और नेता ने थामा लोजपा का हाथ। भाजपा को एक के बाद एक करारा झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के एक और नेता ने लोजपा का हाथ थाम लिया है, जिसके तहत राजेंद्र सिंह ने लोजपा का दामन थामा है। इसके बाद लगे हाथ एक और वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया ने भी लोजपा का दामन थाम लिया है। जानकारी के अनुसार रामेश्वर चौरसिया लोजपा में शामिल हो गए हैं। वो सासाराम विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। पार्टी ने उन्हें सिंबल दे दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि बिहार में एनडीए के खिलाफ चिराग बड़ी परेशानी बनकर उभरने वाले हैं। मतदान के दिन होगी सार्वजनिक छुट्टी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान के दिन सार्वजनिक छुट्टी दी जाएगी। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। वोटिंग के दौरान सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय या फिर फैक्ट्रियों की छुट्टी रहेगी, ताकि सभी लोग आसानी से मतदान कर सके। अधिसूचना के अनुसार सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी संस्थानों और प्रतिष्ठानों पर निर्देश लागू किया जाएगा। चुनाव का आयोजन 3 चरणों में करवाया जा रहा है। पहले चरण के तहत 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा, दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 विधानसभा और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 विधानसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। जा प्रमुख पप्पू यादव ने पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने पहले चरण के चुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें पप्पू यादव ने कटोरिया से रोजमेरी किस्कू, तारापुर से कर्मवीर भारती, जमालपुर से महेश यादव, लखीसराय से विमल कुमार, शेखपुरा से अजय कुमार, बाढ़ से श्यामदेव प्रसाद सिंह, संदेश बबन कुमार, बरहरा से रघुपति राकेश कुमार मिश्र, ब्रह्मपुर परमानंद यादव, डुमराव से श्रीकांत यादव, भभुआ से रामचंद्र सिंह यादव, चैनपुर से दीवान अरशद हुसैन, चिनारी से रविशंकर प्रसाद, नोखा से अनीता यादव, डेहरी से समीर कुमार, अरवल से अभिषेक रंजन, कुर्था से जमालुद्दीन अंसारी, जहानाबाद से सुल्तान अहमद, ओबरा से सुजीत कुमार, नबीनगर से बबन कुमार, कटुम्बा से पप्पू शर्मा, औरंगाबाद से चंदेश कुमार गुप्ता के अलावा सुधीर कुमार शर्मा, गरुआ शेरघाटी से उमर खान, इमामगंज से फकीर चंद दास, गया टाउन से निखिल कुमार, अत्री से सुशील कुमार, वजीरगंज से राजीव कुमार, रजौली से दीपक कुमार, सिकंदरा से मदन तांती और जमुई से शमशाद आलम को टिकट सौंप दिया गया है। मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश की जताई संभावना। मौसम ने जाते जाते अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मॉनसून के जाते जाते बिहार के कई जिलों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात की वजह से बिहार के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आज भी बारिश होती रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में काफी मात्रा में नमी आ रही है, इसके कारण ही बिहार में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी पटना समेत सूबे के अन्य हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। शिवसेना अब बिहार में आजमाएगी अपनी किस्मत। शिवसेना के संजय राउत ने बिहार में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना पूरी तरीके से तैयार हो गई है। इस बाबत संजय राउत ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनकी पार्टी बिहार में 30-40 सीटों पर मैदान में उतरने वाली है। हालांकि उन्होंने सभी से 1-2 दिन इंतजार करने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि पार्टी के लोग बिहार में 50 सीट पर चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 30-40 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारना है। हालांकि अभी तक शिवसेना की तरफ से मैदान में उतरने को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। बिहार की राजधानी पटना में वाहन जांच मुहिम की एक बार फिर हुई शुरुआत। चुनावी माहौल के बीच बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से वाहनों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बेली रोड से लेकर बोरिंग रोड स्टेशन, गांधी मैदान सहित पटना के कई इलाकों में वाहन चेकिंग की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई है। गांधी मैदान के इलाके में तो पुलिस बल की भारी संख्या देखने को मिल रही है। हर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। जांच मुहिम में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। बड़ी गाड़ियों के साथ साथ छोटी गाड़ियों को भी जांच की जा रही है। कागजात सही नहीं पाए जाने पर पुलिस फाइन भी ले रही है। वाहन चेकिंग के दौरान दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बिहार विधानसभा चुनाव में धनबल को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसके तहत लगातार पुलिस कर्मी ऐसे लोगों को पकड़ने में लगे हुए हैं जो पैसे के दम पर वोट खरीदने की साजिश करने में जुटे रहते हैं। इसी क्रम में बिहार के दरभंगा जिले में पुलिस कर्मियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरभंगा जिले में वाहन जांच के दौरान पुलिस बल को 1 करोड़ रुपए कैश गाड़ी में मिली है।
जिले के विशनपुर थाना क्षेत्र में इतनी बड़ी रकम पकड़ी गई है। आपको बता दें, पैसे से भरी इस गाड़ी को समस्तीपुर से जयनगर की तरफ लेकर जाया जा रहा था। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान पर साधा निशाना। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजियों का दौर जारी है, वहीं रार तकरार की राजनीति भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं एनडीए से अलग हुए चिराग पासवान पर इन दिनों सबकी नजर बनी हुई है। इसके तहत अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि आज जो रामविलास पासवान राज्यसभा के सदस्य बने हैं, वो किसकी बदौलत बने हैं? क्या वो अपनी बदौलत बन गए हैं? उनकी पार्टी के तो दो ही विधायक हैं। क्या दो विधायक वाली पार्टी राज्यसभा का सांसद बन सकती है? इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लेते हुए साफ शब्दों में कहा है कि तेजस्वी को बिहार में हुए कामों की कोई जानकारी ही नहीं है, इसलिए वो बयानबाजी में उलझे नजर आते हैं। एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया तेज कर दी है। बीते दिन एनडीए में भाजपा और जदयू ने सीटों का बंटवारा कर दिया है। दोनों ही पार्टी के नेताओं ने सीटों को लेकर औपचारिक ऐलान कर दिया है। इसके तहत 243 सीटों पर बिहार में विधानसभा चुनाव में भाजपा 112 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी, तो वहीं जदयू 115 सीटों पर मैदान में उतरने वाली है। महागठबंधन को छोड़कर एनडीए ज्वाइन करने वाले मुकेश सहनी को पार्टी वीआईपी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि हम 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। हमने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है। चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश से पूछे सवाल। अपना बगावती रवैया दिखा चुके चिराग पासवान अब खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन एक बार फिर से नीतीश कुमार को सीट बंटवारे के ऐलान के तुरंत बाद एक के बाद एक आरोप लगाए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगली सरकार बनते ही 7 निश्चय योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर पाएंगे, सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को आप हिरासत में लेने का काम करेंगे, इतना ही नहीं लंबित पड़ी राशियों को भी तुरंत भुगतान करेंगे ताकि अधूरे पड़े काम जल्द से जल्द पूरे हो सके। आपको बता दें, बिहार में 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर चिराग कई बार बयान जारी कर चुके हैं। एनडीए में शामिल हुए मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सीट बंटवारे को लेकर राज्य से नाराज हुए सहनी ने एनडीए में जाकर गठबंधन कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार एनडीए की तरफ से मुकेश सहनी को कुल मिलाकर 9 सीटें दी गई हैं, जिसके साथ ही तमाम सस्पेंस भी अब खत्म हो गया है। एनडीए के अंदर अब कुल मिलाकर 4 पार्टियां आ गई हैं, जिसमें वीआईपी भी अब एक बड़ी सहयोगी बन गई है। हालांकि एनडीए का हाथ थामने से पहले सैनी ने उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव की तरफ से भी ऑफर आने की बात कही थी। फील्डिंग के दौरान आईसीसी के नियम को तोड़ते दिखे कोहली। इन दिनों आईपीएल के 13वें संस्करण के तहत आरसीबी की कप्तानी कर रहे विराट कोहली मैदान में लंबे समय के बाद फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली के साथ खेले गए मैच में विराट कोहली आईसीसी के नियम को तोड़ते देखे गए। दरअसल फील्डिंग के दौरान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दिल्ली के खिलाफ मैच में कोहली ने शॉर्ट कवर पर फील्डिंग करते हुए अपनी तरफ तेजी से आई गेंद को रोका और उसके बाद उस पर लार लगा दी। मिर्जापुर का ट्रेलर हुआ रिलीज। मिर्जापुर 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। लंबे इंतजार के बाद मिर्जापुर 2 का ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। Amazon प्राइम वीडियो ने बीते दिन ट्रेलर को जारी कर दिया है, जिसके जारी होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनने शुरू हो गए हैं। लोग लगातार अपने पसंदीदा डायलॉग और ट्रेलर के स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रेलर के रिलीज होते ही मिर्जापुर ट्विटर के टॉप ट्रेंड में भी देखने को मिल रहा है। ट्रेलर में सबसे ज्यादा पसंद लोगों को रशिका दुग्गल का किरदार बीना त्रिपाठी का डायलॉग आया है। उसमें वो कालीन भैया के पिता से कह रही हैं, शेर की उम्र ज्यादा है लेकिन बूढ़ा नहीं हुआ है अभी तक। इस पर कई सारे फैंस मीम्स शेयर कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट के बाद अब Amazon भी शुरू करने वाली है Amazon ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल। Amazon इंडिया ने मंगलवार को अब ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल की शुरुआत कर दी है। Amazon की तरफ से साझा की गई जानकारी की माने तो यह सेल 17 अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाली है। यह सेल फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज के सेल के एक दिन बाद शुरू होने वाली है। Amazon प्राइम मेंबरशिप वाले यूजर सेल के शुरुआती दिन यानी कि 16 अक्टूबर को इस सेल का लुत्फ उठाया जाएगा। आपको बता दें, Amazon ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल के दौरान डिस्काउंट, नो कॉस्ट ईएमआई, एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 6 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,420 था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,420 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.74 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.23 रुपए प्रति लीटर था।
टिकट कटने पर राजद के विधायक को पड़ा दिल का दौरा। आरा विधानसभा के मौजूदा विधायक अनवर आलम को दिल का दौरा पड़ा है। जानकारी के मुताबिक राजद से आरा में टिकट नहीं मिलने से वो परेशान चल रहे थे। आपको बता दें, महागठबंधन से इस बार आरा सदर विधानसभा माले के खाते में चला गया है, जिस वजह से अनवर आलम को राजद से टिकट नहीं मिला। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद और जदयू के गठबंधन में अनवर आलम ने भाजपा के 4 बार के विधायक रहे अमरेंद्र प्रताप सिंह को हराया था। मंगलवार को अनवर आलम दौलतपुर आवास पर आम सभा कर रहे थे, तभी उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद आरा सदर अस्पताल में उन्हें ले जाया गया। रामविलास पासवान से पुराने लगाव होने की नीतीश कुमार ने कही बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो अनर्गल बातों पर ध्यान ना दे, जिनको जो बोलना है बोलते रहें, वो काम करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा के साथ ही रामविलास पासवान और चिराग पासवान को भी निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के संदर्भ में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि कोई क्या बोलता है, उन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिनको जो बोलना है बोलते रहे। महागठबंधन को छोड़ बिहार में अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी जेएमएम। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को एक और करारा झटका लगा है। झारखंड में राजद के साथ मैदान में उतरने वाली जेएमएम ने महागठबंधन को छोड़ दिया है। झारखंड में सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा की 7 सीटों पर अकेले चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने झाझा, चकाई, कटोरिया, धमदाह, मनिहारी, पिरपैती और नाथनगर से प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। झामुमो की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पार्टी और सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए संगठन स्तर पर समीक्षा कर रही है। झामुमो ने शुरू में ही कहा कि हमने झारखंड को संघर्ष करके हासिल किया है, खैरात में नहीं पाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में राजद से राजनीतिक रिश्ते की समीक्षा होगी। झारखंड में झामुमो के नेतृत्व में बने गठबंधन में राजद शामिल। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा उनके नाम है मनोरंजन सिंह, सनी सिंह, अनन्या यादव, ऑफिसर उजाला चौधरी, राकेश झा, बबीता यादव, चांद बाबू, सुशील कुमार, सुप्रिया कुमारी, नेहा सिंह, उजाला चौधरी, रविंद्र पासवान, अनिल कुमार, चंदन कुमार, शंभू रॉय। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के एनडीए में शामिल होने से एनडीए को फायदा होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।